दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा पुलिस ने तांत्रिक हत्याकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंगड़ी गांव निवासी नंदू पासवान का पुत्र लाल बहादुर पासवान के रूप में की गई है। दरअसल आपको बताते चले कि पिछले 1 सितंबर को सुबह सुबह नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंगड़ी गांव निवासी एक तांत्रिक छोटेलाल पंडित की हत्या गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा निर्मम तरीके से चाकू गोद कर दी गई थी। घटना का मुख्य कारण यह था कि मृतक गांव में झाड़ फूक यानी तांत्रिक का काम करता था और अभियुक्त के पुत्र की मृत्यु इलाज के क्रम में डॉक्टर के पास हो गई थी। जबकि अभियुक्त के परिजनों का कहना था कि छोटेलाल पंडित के द्वारा झाड़ फूंक के दौरान ओझा गुनी कर बच्चा को मार दिया गया और इसी बात को लेकर प्रतिशोध में लाल बहादुर पासवान एवं उनके परिजनों के द्वारा इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में मृतक के परिजनों के द्वारा 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज कराया गया था और आज मानपुर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां नालंदा में पिछले 1 सितंबर को सुबह सुबह एक तांत्रिक के चाकू गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।